इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को नौकरी देने का वादा किया था, यह सरकार नौकरी तो दे नहीं रही, निकाल हो रही है। और देखिए, महंगाई बढ़ी रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आर्थिक मंदी की वजह से पूरा देश परेशान है। तो आर्थिक मंदी की वजह से देश की बदनामी भी हुई है, तो दुनिया में देश का सम्मान गिरा है आर्थिक मंदी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। अब बताइए, होम गार्ड को पहले से भी उचित उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था, 3,000 प्रति महीना मिलता था, अब 3,000 तो कुछ आज की महंगाई के ज़माने में कुछ है ही नहीं। तो कम से कम उनको वेतन भी ठीक मिलना चाहिए था, कम से कम वेतन उनको 30,000 अगर किया भी था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी अवहेलना है कोर्ट की, जब कोर्ट ने 30,000 रुपया उनका वेतन कर दिया और सरकार ने उनको फिर सभी को निकाल दिया। अब इस पैसे को ही लेकर के कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए, जब से नोटबंदी हुई है और GST लगा है, तब से और फिर इसी की वजह से आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक मंदी आई है। और फिर आप देख रहे हैं, एक तरफ आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मैंने तो अभी विधानसभा में जब 36 घंटे चला ये मामला उठाया था, पुलिस और पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं हैं, जनता भटक रही है, थाने और तहसीलों में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। जबकि आपको पता है कि जब हम राजस्व मंत्री थे, मैंने राजस्व संहिता बहुत दिनों से 36 सालों से लागू नहीं हो पा रही थी।